मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ओलिविया चाउ ने टोरंटो के मेयर की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। चाउ का कहना है कि मिलकर टोरंटो को सस्ता और महफूज शहर बनाएंगे। ओलिविया चाउ हलफ उठाने के लिए साइकिल पर अपने दफ्तर पहुंची। इन्वायरमेंट कैनेडा की जुनूब मगरबी ऑनटेरियो के कुछ हिस्सों के लिए टोर्नाडो वॉचेस जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। टोरंटो मुमकिन तौर पर शदीद मौसम से बच जाएगा। बैंक ऑफ कैनेडा ने एक बार फिर शरह सूद में इजाफा कर दिया। कैनेडा में सूद की शरह 2001 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बैंक ऑफ कैनेडा ने सूद की कुलीदी शरह 5% तक बढ़ा दी। भारत में मानसून बारिशों से नई दिल्ली डूब गया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। रेला वजीर आला हाउस और असेंबली तक पहुंच गया। बारिशों से होने वाले हादसात में अब तक 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नेटो ने एक बार फिर यूक्रेन को हरी झंडी दिखा दी। नेटो सरबराही इजलास। यूक्रेन का रुकनियत की ख्वाहिश का हर मकदम लेकिन कबूलियत से गुरेज। तुर्किया का कहना है कि अक्टूबर से कबल नेटो में स्वीडन की रुकनियत की तौसीक नहीं करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन ना सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। ओलिविया चाउ ने टोरंटो के मेयर की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने टोरंटो के 66वें मेयर की हैसियत से हलफ उठाया था, जो सिटी हॉल में एक नए दौर की शुरुआत कर रहा था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओलिविया चाउ ने टोरंटो के मेयर की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने बुध के रोज़ टोरंटो के 66वें मेयर की हैसियत से हलफ लिया था, जो सिटी हॉल में एक नए दौर की शुरुआत कर रहा था। 66 साल खातून ने कनाडा के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की रहनुमाई की है और उसने ज्यादा निगहदाश्त और सस्ती शहर कहने का वादा किया है। उन्होंने ऐलामिये पर दस्तखत करने के बाद कहा, आइए एक टोरंटो बनाएं जो ज्यादा सस्ता, महफूज और देखभाल करने वाला शहर हो, जहाँ हर एक का ताल्लुक है। मिलकर हम कर सकते हैं और आज हम शुरू करते हैं। साइकिलिंग के एक मशहूर हामी के तौर पर चाउ ने अपने पहले दिन दफ्तर में जाने के लिए साइकिल का इंतखाब किया। साइकिल टोरंटो ने अपने इफ्तिताही दिन को निशानजद करने के लिए सिटी हॉल में ग्रुप मोटरसाइकिल सवारी की मेजबानी की। ओलिविया चाउ मुख्तसर सवारी में शामिल होकर इस ग्रुप को मुख्तसर तौर पर मुखातिब किया। उन्होंने वाजह तौर पर कहा कि लोग तब्दीली चाहते हैं। एनडीपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट और माजी के सिटी काउंसिलर चाउ ने 101 दीगर उम्मीदवारों को शिकस्त देकर जॉन टोरी की जगह लेने के लिए पिछले महीने मेयर के जमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। उनकी फतह ने एक दहाई के दौरान पहली बार टोरंटो की अव्वलीन मुलाजमत में तरक्की पसंद को आगे बढ़ाया। ये एक ऐसे वक्त में भी आता है जब टोरंटो को दबाव वाले मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें इस साल के बजट में तकरीबन $1 बिलियन की कमी भी शामिल है, जो ट्रांजिट महसूलात में कमी और पनह के अखराजात में इजाफा करके बड़े हिस्से में कार फरमा है। ओलिविया चाउ ने मकामी हुकूमत को मौशरती रिहाइश की तामीर के कारोबार में वापस लाने और सस्ती यूनिट्स के हुसूल और उनके तहफ्फुज़ के लिए लाखों खर्च करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम रिहाइश के बहरान से निपटने के जरिए शुरू कर सकते हैं
और इसका आगाज कर सकते हैं। हम कर सकते हैं और इसलिए लाजमी है कि मसाइब हकीकी है। नई मेयर ने कहा है कि वो अगस्त में एग्जीक्यूटिव कमेटी के खसूसी इजलास से मुतालबा करेंगी ताकि शहर के तवील मुद्दती मालियाती मनसूबे समेत दबाने वाले मामलात पर तबादला ख्याल किया जा सके। शहर का रिहायशी बहरान और बेघर अफराद का सामना करने वाले लोगों के रिकॉर्ड की सतह चाव की मुद्दत की जाँच करने के लिए तैयार है। एनवायरमेंट कनाडा ने जुनूब मगरबी ऑन्टेरियो के कुछ हिस्सों के लिए टोर्नाडो वॉचेस जारी की हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा ने जुनूब मगरबी ऑन्टेरियो के कुछ हिस्सों के लिए टोर्नाडो वॉचेस जारी की हैं, जिसमें शदीद बारिश और तेज हवा के झोंके के लिए इंतबाह किया गया है जो रातों रात 90 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकता है। टोरंटो मुमकिन तौर पर शदीद मौसम से बच जाएगा, अगरचा शदीद बारिश कहीं भी 15 से 20 मिलीमीटर के दरमियान मुतवक्के है। मौसम के खसूसी बयानात और इंतबाह सूबे भर में जारी हैं, जिनमें किचनर, लंदन, सार्निया, ब्रांटफोर्ड और सिम्फोई शामिल हैं। इन खित्तों में माहौलियाती कैनेडा ने 30 से 50 मिलीमीटर की तेज बारिश की मकदार के लिए मुतनबा किया, जिसमें अलग थलग मकदार 100 मिलीमीटर तक मुमकिन है। इसमें बैरी, कैलेडियन और ऑरेंज वेल भी शामिल है। तवक्को की जा रही है कि भारी बारिश से आज शाम के अवाइन में जुनूब मगरबी ऑन्टेरियो में मुंतकिल हो जाएगा और जुमेरात की सुबह तक जारी रहेगा। कनाडा की मौसमी एजेंसी ने विंडसर, एसेक्स, चैथम, कैंट को टोर्नेडो वॉच के तहत रखा, ये नोट करते हुए कि हालात शदीद गरज चमक के लिए साजगार हैं, जो शाम के वक्त और रातों रात तूफान पैदा कर सकते हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा, तेज हवा के झोंके और तेज बारिश भी मुमकिन है। बहुत ज्यादा बारिश किसी भी तूफान के साथ हो सकती है। एनवायरमेंट कनाडा ने अपने मौसम के इंतबाह में नोट किया कि ये सूरत हाल खतरनाक और मुमकिन तौर पर जानलेवा है। इन जुनूब मगरबी ऑन्टेरियो इलाकों में 30 से 50 मिलीमीटर की बारिश की मकदार मुमकिन है, जिसमें अलग थलग मकदार 100 मिलीमीटर तक है। बैंक ऑफ कनाडा ने बुध के रोज अपने बेंचमार्क सूद की शरह में इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद 5% तक पहुंच गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा ने बुध के रोज अपने बेंच मार्क सूद की शरह में 25 बेस पॉइंट्स तक इजाफा किया, जिसने अप्रैल 2001 के बाद पहली बार ये निशान लगाया कि ये आदादोशुमार 5% तक पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कनाडा के लोगों को कुछ बातचीत करें जो उन्हें कुछ वजाहत फराहम कर सकें, लेकिन मसला यह है कि उनके पास खुद उसकी वजाहत नहीं है। इस फैसले के बाद सूद की शरह 2001 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकिल तौर पर बुलंद शरहें बहुत से कैनेडियंस को उनके अखराजात में कुछ सख्त इंतखाब करने पर मजबूर कर रही हैं। जब ये बात आती है कि वो अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, स्टैटिस्टिक्स कनाडा की अफराते जर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल खाने की कीमतों में 11.4% इजाफा हुआ है, जो कनाडा में पिछले 40 सालों में तेज तरीन इजाफा है। अगली रिपोर्ट 18 जुलाई को जारी की जाएगी। सबसे ज्यादा इजाफा कुछ सब्जियों, फलों के जूस, मुर्गी, बेकरी की मस्तुआत, पास्ता और डेयरी में हुआ है। बैंक ने एक रिलीज में लिखा, तवानाई की कम कीमतों और सामान की कीमतों में अफराते जर में कमी के साथ आलमी अफराते जर में नरमी आ रही है। ताहम मजबूत तलब और सख्त लेबर मार्केट खिदमात में मुस्तकिल महंगाई का सबब बन रही है। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिप मैकलम ने कहा कि बैंक तवक्को करता है कि अफराते जर में आसानी होगी, लेकिन 2025 के वस्त तक इसके 2% हदफ को निशाना बनाने में लग सकता है। मैकलम ने कहा, हम इन इशारे के बारे में वाजे हो चुके हैं जिनको हम देख रहे हैं, और सूद की शरह में कमी के बारे में बात करना वाजे तौर पर बहुत जल्द होगा। मैकलम ने मजीद कहा, यह भी बताना है कि शरह में इजाफे का कितना असर पड़ रहा है। भारत में दरियाए जमुना में पानी की सतह बुलंद होने पर सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया और दारुल हुकूमत तालाब का मंजर पेश करने लगा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दरियाए जमुना में पानी की सतह बुलंद होने पर सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया और दारुल हुकूमत तालाब का मंजर पेश करने लगा। भारत में होने वाली मानसून की तबाहकुन बारिशों ने जहां शुमाली रियासतों में तबाही मचाई, वहीं दारुल हुकूमत नई दिल्ली को भी शदीद मुतासिर किया है। भारत में बारिशों से होने वाले हादसात में अब तक 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जमुना में पानी की सतह आज दोपहर 1 बजे 208.62 मीटर थी, क्योंकि हरियाणा में हथनी कंड बैराज से दरिया में पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की मौजूदा सतह खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है, जिस पर नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकज में बीजेपी की हुकूमत से दरिया में पानी छोड़ने पर एहतजाज करते हुए दरिया में मजीद पानी न छोड़ने का मुतालबा किया है। ताहम मरकज में बीजेपी की हुकूमत ने जवाब दिया कि बैराज से इजाफी पानी नहीं छोड़ा,
तो डैम टूट जाएगा। नई दिल्ली के वजीर आला ने हरियाणा को दरिया में पानी छोड़ने से मना किया था, ताहम रियासत हरियाणा की जानिब से दरिया में मजीद पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से दरिया में पानी खतरनाक सतह से 3 मीटर तक ऊपर जा चुका है। याद रहे कि नई दिल्ली के इस बार होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की 15 साल हुक्मरानी को पछाड़ दिया था। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार अपनी बदतरीन शिकस्त का बदला सैलाबी पानी दिल्ली में छोड़ कर ले रही है। सैलाबी पानी नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और असेंबली हॉल से सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर है। भारतीय दारुल हुकूमत में मामूलाते जिंदगी ठप होकर रह गई है। दूसरी जानिब रियासत हिमाचल प्रदेश में मजीद बारिशों की वजह से हरियाणा बैराज बिफर गया। मानसून बारिशों ने पहाड़ी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, कई घर गिर गए और पुल बह गए। दिल्ली हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल पर तमाम स्कूलों समेत सरकारी और नीम सरकारी इदारों को भी बंद रखने की हिदायत की है, जबकि रेस्क्यू अहलकार शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब नई दिल्ली में सैलाबी सूरत हाल के बायस पीने के पानी के प्लांट्स बंद होने की वजह से पानी की भी किल्लत है। वाजे रहे कि रवां सीजन में दिल्ली में दहाइयों की सबसे ज्यादा मानसून बारिश हुई है। मगरबी ममालिक के अस्करी इतिहाद नेटो के सरबराह इजलास में रूस की मुसल्लत करदा जंग को झेलने वाले यूक्रेन की रुकनियत से मुतालिक कोई पेशरफ ना हो सकी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मगरबी ममालिक के अस्करी इतिहाद नेटो के सरबराह इजलास में रूस की मुसल्लत करदा जंग को झेलने वाले यूक्रेन की रुकनियत से मुतालिक कोई पेशरफ ना हो सकी, जबकि तुर्क सदर ने कहा है कि अक्टूबर से कबल नेटो में स्वीडन की रुकनियत की तौसीक नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लिथुआनिया में होने वाले नेटो के सरबराही इजलास के ऐलामिये में कहा गया है कि यूक्रेन का मुस्तकबिल नेटो से वाबस्ता है, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब तमाम रुकन ममालिक मुत्तफिक और शराइत पूरी हों। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो इजलास में खसूसी मेहमान के तौर पर शरीक हुए थे, ने ऐलामिये से कबल ही रुकनियत के लिए कोई टाइम फ्रेम ना देने पर नेटो को तनकीद का निशाना बनाया था। सदर यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये इंतहाई गैर मामूली और मज़ाक़ खेज होगा अगर यूक्रेन को नेटो में शमूलियत का दावतनामा ना दिया जाए और ना ही उसके टाइम फ्रेम मुकम्मल किया जाए। नेटो इजलास के खात्मे पर जारी ऐलामिये में नहीं बताया गया कि वो कौन सी शराइत है जिन्हें यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत के लिए पूरा करना है और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। ताहम नेटो ममालिक ने यूक्रेन की अस्करी मदद के अजम का इजहार किया। दूसरी जानिब तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि तुर्किया कम अज कम अक्टूबर से पहले नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में स्वीडन की रुकनियत की तौसीक ना कर सकेगा, क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट का इजलास नहीं होगा। अर्दगान ने मजीद कहा कि जब पार्लियामेंट अपना इजलास दोबारा शुरू करेगी, मुझे लगता है कि स्पीकर इस मसले को तरजीह देने पर राजी हो जाएगा। बास मगरबी रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की थी कि तुर्किया आने वाले हफ्तों में तौसीक का अमल मुकम्मल कर लेगा। तुर्क सदर ने कहा कि हमारे पास 2 माह की पार्लिमानी छुट्टी है। अक्टूबर में अरकान पार्लियामेंट के वापस आने के बाद बहुत सी कानून साजी की तजावीज पर बहस की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से बैन अल-अक़वामी मुहादे और बहुत सी कानून साजी की तजावीज हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। हम उन सब तजावीज पर उनकी अहमियत के मुताबिक गौर करेंगे, लेकिन हमारा मकसद इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। वाजे रहे तुर्किया के सदर ने 1 साल बाद स्वीडन को अमेरिका की क़यादत में फौजी इत्तेहाद में शामिल होने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।